आजाद किया था और एक बहुत ही खूबसूरत एक दस्तूर, एक आईन और एक संविधान इस मुल्क को दिया है। आजादी की दूसरी लड़ाई इस संविधान के वो जो सपने थे, एक ऐसे मुल्क का सपना, एक ऐसे भारत का सपना, एक ऐसे भारत का ख्वाब जिस पे हर शख्स के सर पे छत हो, हर बदन पे लिबास हो, हर आदमी को दो वक्त की रोटी मिले, हर हाथ को काम मिले और हर पैदा होने वाले बच्चे को मेयारी और अच्छी तालीम मिले। आज हमारी ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक के आजाद हिंदुस्तान का ये सपना साकार नहीं होता। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमें इस लड़ाई को उस वक्त तक चलाना है जब तक के हम अपने एक खूबसूरत मुल्क को खुशहाल न बना दे, पुरअमन न बना दे और उसके अंदर अमन और भाईचारे के लहरें न चला दे। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो जन सैलाब है, ये जो अवामी ताकत है, जो आज आसाम से लेकर केरला तक और जो बंगाली बंगाल से लेकर गुजरात, सीएए, एनआरसी और एनपीआर के लिए बोले गए हैं। पहली बात सीएए के लिए ये बोली गई कि ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए बिल लाया गया है। तब इस देश के छात्रों ने जब बिल को देखा और कंट्रोल और दिखाया तो उसमें परसिक्यूटेड माइनॉरिटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और एक इल्जाम इस देश के मुसलमानों पर यह लगाया गया कि आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। जब हमने ये बात क्लियर की कि हम किसी को नागरिकता देने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं नागरिकता देने में होने वाले भेदभाव का। जब हमने ये बात साफ कर दी कि आप एक तमिल हिंदू को भी लेके आइए और एक रोहिंग्या मुस्लिम को भी लेके आइए, आप सबको लेके आइए, आप हमसे कह रहे हैं, हमने ये बात साफ तौर पर वादे कर दी थी कि आप पूरी दुनिया से परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को लेके आइए, मुसलमान उनको अपने घरों में जगह देगा जो आपने दंगे करा के निर्दोष बनाए हैं। क्योंकि ये बात हमें हमारा संविधान तो सिखाता था लेकिन हमारा मजहब भी सिखाता है। मैंने अक्सर ये बात कही कि जब पूरी दुनिया ब्लैक और व्हाइट के नाम पर बटी हुई थी तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल जो कि एक ब्लैक थे उनको पहली अजान दिला के हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया और ये कह दिया आप हमसे सबूत मांग रहे हो। अब लड़ाई इस बात की है कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को हमें धर्म के नाम पे बटने नहीं देना है, क्योंकि आपको याद करना है, आपको याद करना है जब 19 लाख असम में एनआरसी की लिस्ट आई तो उसमें 14 लाख हमारे हिंदू भाई थे। आपको उन सबके लिए लड़ाई लड़नी है क्योंकि ये वही हिंदू है जिन्होंने बहुत बार हमें दंगों पे जब होते थे तो बीच में आकर खड़े हो जाते थे और दीवार बनकर मनुवादी ताकतों से हमें बचाते थे। आपको इस बात का याद रखना है कि इस लड़ाई को संवैधानिक तरीकों से लड़ना है, गांधी के तरीकों से लड़ना है, जो तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफकत का सिखाया था उस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना है। आखिर में सिर्फ एक बात बोलूंगा, महाराष्ट्र चैलेंज देना है, चेतावनी ये है कि सरकार डरी हुई है। पहले उन्होंने पिटाई की जेएनयू के छात्रों पर, बाद में एएमयू के छात्रों पे, फिर जामिया पहुंचे, फिर कर्नाटक में पिटाई हुई, फिर उत्तर प्रदेश में बहुत सारा
उन्होंने गोली से लोगों को मारा, कत्लेआम किया लोगों का। कल रात को तमिलनाडु में इन लोगों ने खुराफत किया। सरकार डरी हुई है। रामधारी दिनकर ने, जो महान हिंदी कवि थे, उन्होंने 1975 में कहा, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। तो मोदी, शाह और दोवल, ये तीन लोग जो सरकार चलाते हैं, समझ लो कि आपका नंबर आ गया है वनवास जाने का। ले जाइए, वनवास ना जाओ तो नागपुर चले जाओ वन वे टिकट लेके, वन वे टिकट। लेकिन आपको हम सचेत कर रहे हैं कि ये लोग केवल पिटाई नहीं करेंगे, ये तो चाणक्य के चेले चपते हैं, हर चीज करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम लोगों के बीच में फूट डालें, हम लोगों के बीच में दरार डालें। पिछले 4-5 दिन से दिल्ली में इनकी कोशिश है कि कैसे भी शाहीन बाग को उठा दिया जाए, लोगों को कहा जाए कि भाई हम तो आपको बुला रहे हैं बात करने के लिए, कोई आने रहा है, 3 दिन में आपको समय दे देंगे। अरे आप कौन होते हो समय देने के लिए? हम आपको समय देंगे बातचीत करने के लिए, तब और समय तब देंगे जब आप CAA, NPR और NCR को तुरंत हटाया जाए। हम समय देंगे जब आप सारे केस को विड्रॉ करें जिनके प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जब तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। अरे हम जीत रहे हैं, तुम लोगों का नंबर आ गया है, हम क्यों डरते हैं? तुम डरो, तुम डरो, हम नहीं डरते। दूसरा चैलेंज देता हूं, सचेत तो मैंने कर दिया, ज्यादा बोलना है लेकिन समय का अभाव है, इतना है कि ये सरकार चल नहीं सकती, जनता के शिरकत के बिना ये जनता नहीं चल सकती। तो आप तैयार हो जाएं सत्याग्रह करने के लिए, सिविल नाफरमानी करने के लिए, जेल जाने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज मिलती है जेल में, सरकार देगी, बाहर तो देती नहीं। आप समझ लीजिए, ये सरकार के पास पूरे हिंदुस्तान के अंदर जेल में केवल 3 लाख लोगों के लिए जगह है, रखती है। क्या हम लोग 10 लाख लोग नहीं देश भर जब भेज सकते हैं, तो सरकार हो जाएगी 3-5-6। समझ लीजिए, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया और देखेंगे। अरे मोदी, शाह और दोवल, सचेत हो जाओ, ये लोग और हम लोग मानेंगे नहीं जब तक आप लोगों के मंसूबे सही नहीं हो, देश के प्रति सही नहीं हो, संविधान बाबा साहब अंबेडकर के दिया हुआ संविधान के प्रति सही नहीं हो। तो अभी आप समझ लो कि अकल का इस्तेमाल करो। अरे अकल के मोहताज निक्कर वाले, अकल के दुश्मन, बुद्धि विरोधी मोर्चा के अग्रिम पंक्ति, सोच लो कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। भीमराव अंबेडकर साहब, जीसस, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, सब हमारे साथ परस्त होंगे। आइए देखिए, लड़ते हैं, चलिए। एक कविता लिखी थी, आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, फिर सुनाना चाहूंगा। मैं बिजनौर का हूं, उत्तर प्रदेश में बिजनौर। कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, उस आग में झुलसकर बिजनौर का एक शख्स मुशर्रफ खत्म हो गया था। मुशर्रफ ने आखिरी वक्त में अपने दोस्त शोभित को फोन लगाया था, वो भी बिजनौर का था।
और जाते जाते शोभित को कह गया था कि भाई मेरे घर का ख्याल रख, देश के हालात कुछ ऐसे ही है, उसे सोच कर कुछ लिखा था वो पेश कर रहा। दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी, भीषण आग में झुलस कर 42 लोगों समेत एक मुशर्रफ भी मारा गया। सिर्फ मुशर्रफ का नाम सुर्खियों में आया क्योंकि उसने आखिरी कॉल अपने जिगरी यार शोभित को लगाया। एक मुसलमान को आखिरी वक्त में हिंदू दोस्त ही याद आया, भारतवर्ष ने इसे एक बड़ी खबर बताया। सिरा देने वाली इस कॉल की रिकॉर्डिंग जब मीडिया ने चलाई लोगों की आंखें भर आई, पर बेचारा शोभित सत्ते में था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। नियम कायदे तोड़े मालिक ने और भस्म उसका दोस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि मालिक चोर था, मुनाफाखोर था, आग भी उसी ने लगाई थी क्योंकि वो आदमखोर था। पर हो सकता है कि यह अफवाह हो, कसूर बाशिंदों का ही रहा हो। जब कुछ जलने की बू आई थी तभी क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी, उसी वक्त आग क्यों नहीं बुझाई थी? क्या कह सकते हैं, हवा में पहले ही इतना जहर है, कैसे पता चलता कि आज का ये धुआं कहर है। फटी आंखें झुकी गर्दनें तब उठी जब आग धू धू कर पूरी धधक उठी। पर अब क्या हो सकता था, एक ही रास्ता था बचने का और वो बंद हो चुका था। कुछ फौरन झुलस गए, कुछ लड़ रहे थे, लेकिन मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि अब सब मर रहे थे। हवा स्याह हो चुकी थी, उसका दम घुट रहा था। शोभित की जिंदगी की सबसे भयावह कॉल थी वो। मुशर्रफ की सांसें उखड़ रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था, पर दोस्त की आखिरी सांस तक आस थी उसे। वो आवाज देता रहा, वो कहता रहा तू आवाज दे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुझे बचाने कोई तो आएगा। पर कैसे आता कोई, बहुत देर हो चुकी थी, गैर कानूनी गलियों में फंसकर वहां की गलियां तंग हो चुकी थी। अब सिर्फ सुस्त पड़ती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुशर्रफ बोल नहीं पा रहा था, शोभित का दिल बैठा जा रहा था, उसका रोम रोम चिल्ला रहा था, हे राम मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इतना फासला है, कैसे अपने दोस्त को बचाऊं, ये गैर कानूनी फैक्ट्री वहां खड़ी कैसे हो गई, तमाम महकमों से चूक कैसे हो गई, सभी तो आदमखोर नहीं हो गए कहीं। इतिहास में पढ़ा था उसने कि हवा गर्म हो अगर ये बीमारी महामारी सी फैलती है, गांव कस्बे शहर पूरे के पूरे देश लीलती है। फिर सांसें सुनाई देने भी बंद हो गई, मुशर्रफ मर गया। पर जाते जाते घर का सरपरस्त दोस्त शोभित को कर गया, मैं जानता हूं शोभित ये चोट बहुत कड़ी है, चुनौती बहुत ही बड़ी है, पर तुम डरो मत, मैं साथ हूं तुम्हारे। मुशर्रफ की आखिरी फरियाद मैंने भी तो सुनी है, ये जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पर भी तो पड़ी है। तो चलो उठो शोभित, आग बुझी नहीं है अभी, इससे पहले कि हवा और गर्म हो जाए इसे बुझाना होगा, आदमखोरों से मुल्क बचाना होगा। इनकलाब, 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 इनकलाब। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन यहाँ पर जो है, जो स्टेटमेंट है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा हम उद्धव जी से इस बात की अपेक्षा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि वो टेक्निकली लीगली ये स्टैंड लेके एनपीआर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जिस तरीके से केरला और सीधा रिश्ता है हिंदुस्तान से, मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे, क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम कौन हो बे, तुम चीखो, तुम ही चिल्लाओ, कागज लाला कर बतलाओ, पर मेरे कान रखाओ, तुम बेमतलब ना गुर्रा हो, तुम ये मेरा देश है, इससे मैं चुपचाप मोहब्बत करता हूं, अपनों की जहालत से इसकी हर रोज हिफाजत करता हूं।
तुम पहले जाहिल नहीं हो जो कहते हो चीख के प्यार करो, इतना गुस्सा है तो अपने चाकू में जाकर धार करो और लेकर आओ घोंट तुम वो चाकू मेरी पसली में, अगर ऐसे साबित होता है तुम असली हो और नकली में। हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे, क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम कौन हो बे, जा नहीं मैं तुझको बतलाता कि क्या है ये धरती मेरी, किन शहरों से किन लोगों से मैंने पाई हस्ती मेरी, किन फसलों में लहराता था वो अन्न जो हर दिन खाया है, क्या मैंने इससे पाया है और क्या मैंने लौटाया है, या नहीं मैं तुझको बतलाता कि कैसे प्यार जताता हूँ, वो कौन सा वादा है इससे जो हर एक रोज निभाता हूँ, वो कौन सा कस्बा था जिससे मेरी माँ ब्याह की आई थी, किस बेदिल एक मोहल्ले में मैंने चप्पल चटकाई थी, किस रास्ते से होकर के मेरी बहन लौटती है घर को, किन कवियों का नमक मिला है इस कविता के तेवर को, वो कौन सी बोली थी जिसने मुझको दादी ने गाली दी, और इश्क लड़ाने को दिल में किन बागों ने हरियाली दी, जिनसे उधार था भैया का वो कौन सी पान की गुमटी थी, किसके मशहूर अखाड़े में पापा ने सीखी कुश्ती थी, किस स्कूल में मेरे यार बने, किस गली में मैंने झक मारी, किस खोमचे वाले ने समझी थी मेरी जेब की लाचारी, अरे जाओ नहीं मैं बतलाता और तुम भी मत बतलाओ ना, मैं अपने घर को जाता हूं तुम अपने घर को जाओ ना, देखो मैं तो बतला भी दूं पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा, तुम नारों से आकाश भरो धरती भर दो पाताल भरो पर मुझको फर्क नहीं पड़ता, ये सस्ता नशा नहीं करता, तुम जो हो भाई हट जाओ, अभी देश घूमना है मुझको, इस वतन के हर एक माथे का हर दर्द चूमना है मुझको, तुम धर्म जो मेरा पूछोगे तो हंस दूंगा कि क्या पूछा, तुमने ही मुझसे पूछा था इस देश से मेरा रिश्ता क्या, जो अब भी नहीं समझ पाए तो कुछ भी आगे मत पूछो, तुम कैसे समझोगे आखिर, ये प्रेम की बातें हैं उधो, तो हिंदुस्तान से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो बे, क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है, तुम क्या आवाज दो, आपकी आवाज नागपुर और दिल्ली दोनों जगह जानी है, आप इतने लोग हैं अगर ठीक से नारा लगाओगे तो दोनों जगह पहुंच जाएगी और एनपीआर का नोटिफिकेशन आज ही वापस हो जाएगा, फिर से और जोर से आवाज दो, लड़ेंगे, अरे इनकिलाबो 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 जिंदाबाद, हमारी एकता हमारी एकता हमारी एकता जिंदाबाद। आखिरी नारा है, हिंदू मुस्लिम एक है, मोदी शाह फेक है, अरे हिंदू मुस्लिम एक है, अरे हिंदू मुस्लिम एक है, हमारा इरादा नेक है, मोदी शाह फेक है। ये जो इरादा है ना, लोग बार बार इसमें सवाल पूछ रहे हैं, अरे हमारा इरादा इस बात का है कि इस देश का संविधान बचा रहे, हमारा इरादा नेक है, और अब एक नहायत ही संजीदा और भारत सरकार से मुतालबा करता है कि जालिमाना कानून CAA को वापस ले और पार्लियामेंट के इसी अधिवेशन में इसे रखे, आपको मंजूर है? नंबर दो, आज का ये इजलास भारत सरकार से पुरजोर मुतालबा करता है कि 2010 के एनपीआर के फॉर्म में जो इजाफा किया गया है उसे हजफ करें, आपको मंजूर है ये? नंबर तीन, हमारा मुतालबा है कि आसाम के बाद किसी सूबे में एनआरसी की जरूरत नहीं, लिहाजा मुल्क के किसी सूबे में एनआरसी लागू नहीं किया जाए। आज के इस इजलास में शरीक सभी हिंदू मुस्लिम दलित ओबीसी क्रिश्चियंस एससी एसटी
और तमाम मजाहिद के शुरका यहाँ आए, उन सबों को हम एलायंस की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं, आपकी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। हिमाचल यमुना गंगा उत्तर जलज तरंगा तव शुभा में जागे तव शुभाशिष मागे गाए तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत मातृ दाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे कुछ समय फिर से एक साथ आना पड़ेगा, उसकी तैयारी रखी भाई इत्मीनान के साथ जाइए। ये लड़ाई बहुत आगे चल रही है, आप लोग हमारा साथ दीजिए और शांति के साथ मर्द हजरात पहले धीरे धीरे जाइए, किसी चीज का नुकसान न पहुंचाए। ये आजादी के लिए भी ध्यान रखिए, उसका जेल फसला न जाए।